ये बिलीव है प्रोफेटिकली, आज मैं आपको एक मैसेज देने आया हूं कि आप अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी को, जो आपकी लाइफ की सबसे ढीठ शैतानी चीज है, आप उसको कैप्चर करने वाले। जो जो सबसे ढीठ आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है, आप उसे कंकर, आप उसे उसे कब्जा करने वाले हो। और आपका आमीन अगर ऊंचा है तो आशीष आपके। मैंने अभी वचन स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हालेलुया। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो प्रेयर आर्मी, ये प्रेयर आर्मी मेरे सिखाए हुए प्रेयर वॉरियर्स होंगे जो आपको लीड करेंगे प्रेयर में। क्योंकि अगर मैं अभी आपकी प्रार्थनाएं सुनूं तो 90% आपकी प्रार्थनाएं रॉन्ग है जो आप करते हो। ओके, अभी हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है? कितने साल से प्रभु में आप? 3 साल। अच्छा, क्या चाहिए प्रभु से आपको? मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की मांग करता हूं। और क्या चाहिए? और अच्छा, स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए आपको प्रभु से? हाँ, yes. करो प्रेयर। कैसे करोगे? मेरे पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये तो मेरे को नहीं सुन रही, प्रभु को कैसे सुनेगी? ऊंचा बोलो। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरे को अपनी लाइफ दे ले, मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरे को स्पिरिचुअल लाइफ दे ले, मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरे को प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मैंने ब्लेस। आप सुन रहे क्या? पत्रस और चेले बाइबल में लिखा बैठे थे और बाइबल का पद खोला गया जहां लिखा था अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर। उन्होंने ऐसे प्रार्थना नहीं की, पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, पिता परमेश्वर आपको अच्छे शब्दों की एक्सेंट की जरूरत नहीं जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते। आप समझ रहे हैं क्या? परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। सुनो, ये भाई कहता मैंने आत्मा में क्या करना है? बढ़ना। प्रेयर आर्मी में आपको सिखाया जाएगा प्रार्थना किसे कहते हैं, किस किसका नाम है प्रेयर। सुनो सुनो एक बात, मैं आज जो आपके सामने खड़ा हूं, मैं प्रेयर का प्रोडक्ट हूं। मैं किसका प्रोडक्ट हूं? राइट टाइम पे सही रीति के साथ करी गई प्रार्थना आपकी लाइफ में रिजल्ट लेके आती। आप देखो, मोस्ट क्रिश्चियंस, बहुत तेरे क्रिश्चियंस अच्छे हैं पर जयवंत नहीं। उनकी लाइफ में ऐसा नहीं कोई कमी है, नो, पर विक्टोरियस नहीं, क्योंकि प्रेयर लाइफ में कमी है, प्रार्थना करनी नहीं आती। इसीलिए यीशु मसीह के चेलों ने कहा था हमें प्रार्थना करनी सिखा। जब बाइबल कहती पत्रस प्रार्थना करने के लिए बैठा तो उसने कहा यीशु मसीह आपने वायदा किया था कि मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा। उन्होंने योएल नबी की पुस्तक निकाली और बाइबल कहती उसमें से प्रार्थना करनी शुरू की कि पिता तेरे वचन में लिखा है अंत के समय में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के पर उंडेलेगा, अपने दास अपने दासियों पर भी तू अपना आत्मा उंडेलेगा, तेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे। अब वो आत्मा अपना उंडेल जो तेरी बाइबल कहती तू उंडेलेगा। और लिखा जब वचन के बीच से प्रार्थना की गई 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा था। आप समझ रहे क्या? अगर वो भी इसी तरह से प्रार्थना करते कि हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर हमें आत्मा चाहिए या हमें सामर्थ चाहिए, आपका परमेश्वर आपके वचनों को टाल सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रार्थना बाइबल के बीच से है तो वो टाल नहीं सकता। आप समझ रहे क्या? हाँ, कोई ऐसा है जिसकी जिसको स्पिरिचुअल के अलावा कोई आशीष चाहिए? है कोई यहां बैठा है ऐसा? बिजनेस, हीलिंग, क्या चाहिए वो हमारा भाई, क्या चाहिए आपको प्रभु से? मैं
मैं परमेश्वर से साथ प्रेम से साथ चलना चाहता हूँ, सभी के लोगों को प्रेम सिखाना चाहता हूँ। well, आप स्पिरिट में आप ये चाहते हो, मैं समझ गया कि आपका स्वभाव अच्छा हो। तो कौन सा बाइबल का पद, कौन सी बाइबल की वर्स आपको सपोर्ट करती है कि आपको मालूम है क्या? परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया जैसे अपना इकलौता पुत्र मुझे दे दिया। आप समझो मेरी बात, यहां एक ऐसा भाई बैठा है जिसको ना तो फाइनेंस चाहिए ना तो स्पिरिचुअल लाइफ अभी उसकी सेट है। वो कहता है नहीं मुझे हीलिंग चाहिए, कोई कहता है नहीं मुझे डर लगता है कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, मुझे लंबी उम्र चाहिए, कोई कहता है नहीं मुझे मेरे बच्चे अच्छे निकले। किसकी प्रार्थना है बच्चे अच्छे निकले? है किसी की प्रार्थना? हाँ आपकी है, आपकी प्रार्थना है, आप रो भी रहे हो, खड़े हो जाओ। हाँ आज मैं आपको सिखाऊंगा आपकी प्रार्थना क्या है। धन्यवाद की प्रार्थना देती हूँ। अच्छा आपको प्रार्थना नहीं आती, बाइबल लेके आओ मेरी। आप समझ रहे मेरी बात? ओके okay. एक औरत चर्च में बैठी है, वो कहती है मेरी प्रॉब्लम मेरे बच्चे हैं पर मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, इसलिए मैं क्या करती हूं, मैं क्या करती हूं, मैं थैंक्स गिविंग करती हूं। थैंक्स गिविंग से बात नहीं बनेगी। आज के बाद मैं आपको जो सिखा रहा हूं ये 1% है। और इसी को ध्यान से अगर आप समझ जाए, अगर आप भजन संहिता उसकी 1 और 2 आयत को पढ़े तो उसमें लिखा यह की यानी यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से बहुत खुश रहता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। अब आप अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके बच्चे हैं, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आप उनको नहीं चाहते जिस तरह आपने संघर्ष किया वो संघर्ष करें, आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे आप एक बाइबल की वर्स को लेंगे। हालेलुया। आप पहले थैंक्स गिविंग करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि तूने मुझे चुना, मैं तेरा थैंक्स करती हूं कि मैं तेरे घर में हूं, मैं तेरा थैंक्स करती हूं मैं तेरी हजूरी में हूं, मैं काबिल नहीं थी तेरी हजूरी में आती लेकिन तूने मुझे अपने अनुग्रह से बुलाया, और अगर तूने मुझे अपने पास बुलाया तो मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए बुलाया, अब मैं प्रार्थना करती हूं तेरे वचन के अनुसार जो भजन संहिता 112:2 में लिखा कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी और धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, अब मेरे बच्चों को छू और उनको ऐसा छू वो पराक्रमी बने, अगर पराक्रमी बनने में कोई भी उनकी गंदी आदत है वो छूट जाए, अगर शैतान उनको तंग करता है वो चला जाए, हे परमेश्वर मेरी संतान को छू और उन्हें पराक्रमी कर, उन्हें सामर्थ्य कर, ये आपकी प्रार्थना होगी। और जब आपकी प्रार्थना ऐसी होगी ओए प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, तो आगे प्रभु क्या करे, दुखी हो तो दोबारा आ जाए क्रूस के ऊपर, दोबारा चढ़ने के लिए आ जाए क्रूस के ऊपर, उसने कहा सब कुछ पूरा, अब आपको इमोशनल नहीं स्पिरिचुअल स्क्रिप्चुअल बनना है। आमीन। बाइबल में लिखा अगर आप यहोजकेल की पुस्तक पढ़ें, उसका 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा, तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य के संतान ये पुस्तक जो मैं तुम्हें देता हूं उसे पचा ले, अपनी आंतड़ियां इससे भर ले, अतः उसने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो शहद के समान मीठी लगी। ये चर्च उन लोगों के लिए नहीं है जो बाइबल को सुनने के लिए आते हैं, ये चर्च उन लोगों के लिए है जो बाइबल को खाने के लिए आते हैं। आमीन। क्या करना है, सुनना के खाना है? उसने कहा इसे खा ले, इसे अपनी आंतड़ियां इससे भर ले, इसे सुनना नहीं है सिर्फ, बाइबल को क्या करना है, कहता खाना है, वचन कहता बाइबल क्या करनी है, कहता खानी, अपनी आंतड़ियां भर ले,
कि जब तू प्रार्थना करने के लिए बैठे तो इधर उधर की बातें ना करे, इमोशनल बातें ना करे, वरन तेरे मुंह से वचन निकले और वचन से निकली हुई प्रार्थना परमेश्वर वापस नहीं मोड़ता। आपको समझ आ रही है क्या? मैंने कहा आपको समझ आ रही है कि नहीं? जब प्रेयर आर्मी अभी मैं बना रहा हूं और जब आपको मैं इनवाइट करूंगा, अगले हफ्ते एक नंबर लॉन्च होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन भेजेंगे और उसमें से लोग चुने जाएंगे। हर बंदे को एंट्री नहीं मिलेगी, बीमारों को भी एंट्री नहीं मिलेगी, जो सिर्फ स्ट्रांग है। प्रेयर आर्मी मतलब उन्होंने लड़ने के लिए आना है और प्रार्थना करने के लिए आना है। आमीन। वहां हीलिंग लेने के लिए नहीं आना कि आप लाइन में खड़े होगी, लास्ट टाइम मेरे पे प्रार्थना कर दो जी, पेट से हाथ रख दो जी, जान लग के मरा जाए। नो 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 नो, कोई बात नहीं होगी किसी से, कोई काउंसलिंग नहीं होगी, सिर्फ प्रेयर, सिर्फ प्रेयर, 24 आवर ओनली फास्टिंग प्रेयर। आपको प्रार्थना का मतलब समझ आ जाएगा, किसे प्रार्थना कहते हैं, अपनी लाइफ में पहली बार आपने देखी हो। आमीन। आप मेरी इस बात को समझो बड़े ध्यान से। प्रॉब्लम आज ही है कि चर्च में एक बैठी हुई अच्छी सिस्टर बैप्टिज्म लिया हुआ पर उसे यह नहीं मालूम कि मेरे बच्चों की प्रार्थना मैं कैसे करूं। भजन संहिता 91:16 में क्या लिखा, लास्ट आयत में क्या लिखा, मैं तुझे दीर्घ आयु से क्या करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को क्या करूंगा, दिखाऊंगा। अब एक बंदा जो लंबी उम्र की प्रार्थना करे वो इस तरह से प्रार्थना करता है, आप सीधा प्रार्थना नहीं करते। बाइबल कहती है जब प्रार्थना करनी सिखाई गई तो परमेश्वर ने कहा सबसे पहले ये को, हे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम, यानी वर्शिप से शुरू करो। वो परमेश्वर ने 30 सेकंड की प्रार्थना नहीं सिखाई, वो पैटर्न सिखाया था। जो आप करते हो 30 सेकंड की प्रार्थना, 30 सेकंड वाली ऐसे वाली, वो प्रार्थना नहीं है, वो पैटर्न है। वो प्रार्थना करने का तरीका है कि सबसे पहले वर्शिप से शुरू करो। जब भी प्रार्थना करने के लिए जाओ, अपनी रिक्वेस्ट लेने के लिए जाओ, सबसे पहले वर्शिप करो कि पिता मैं तेरा थैंक्स करता हूं, तूने मुझे चुन लिया, मुझे अपने पास बुला लिया। कोई माइंड नहीं करता मेरी कंडीशन अब कैसी है, पर मैं तुझे जीवित परमेश्वर को जान चुका हूं, मैं जान चुका हूं तू जीवित है, मैं जान चुका हूं एक दिन मैं गवाही के साथ वापस आऊंगा और मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं, मैं जान चुका हूं मैंने साल्वेशन पा ली। फिर आप प्रार्थना शुरू करोगे कि पिता तेरे वचन में ये लिखा कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। परमेश्वर तू जानता है कि ये बीमारी जो मुझे है ये मुझे दीर्घ आयु जाने नहीं देगी, इसलिए इस बीमारी को हील कर ताकि मैं दीर्घ आयु में जा सकूं। पिता बीमारी के साथ दीर्घ आयु किसी काम की नहीं, गरीबी के साथ दीर्घ आयु किसी काम की नहीं, मुझे आशीषें भी दे कि मैं दीर्घ आयु जी सकूं और आनंदित होकर जी सकूं। तूने कहा कि मैं तुझे उद्धार दिखाऊंगा, अपना उद्धार तुम्हें दिखाऊंगा, तुम मुझे उद्धार दिखा मेरे बच्चों में, मेरी फैमिली में, मेरे फाइनेंस में, मेरी बॉडी में, मेरी स्पिरिट में, मेरी आत्मिक जिंदगी में। आप करके देखो इस तरह से प्रार्थना, करके देखो वचन के बीच से प्रार्थना। हमारी वचन इमोशंस, हमारी प्रार्थना इमोशन के साथ भरी हुई है। हमें लगता है कि हाँ पिता सब जानते हैं, बाइबल कहती है वो सब जानते हैं, पर कहता है वो मांगो तो दिया, बाइबल कहती है ऐसा। बाइबल मैं आपको पढ़ाऊंगा बाइबल आज। हाँ सब जन खोलो यशाया, उसकी 41 आयत, मैं हिंदी में पढ़ूंगा उसको। आमीन। आप तैयार हैं सुनने के लिए? आपको ये बात बड़े ध्यान से आज समझनी और दिल में डालनी। आप जज के सामने चले जाओ और जज को ये बोलोगे, जज साहब इस माता का एक लौता बेटा है ये, आप इसे फांसी नहीं दे सकते, आप इसे छोड़ दो।
जज आपकी बात ना सुन के ये देखेगा कि आपके पास प्रूफ है या नहीं। हालेलुया। आज जो वचन मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें लिखा, परमेश्वर ने कहा अपना प्रमाण दो, अपना मुकदमा लड़ो, अपने न्याय के लिए खड़े रहो। अगर आप परमेश्वर के सामने अपना केस प्रकट नहीं करेंगे और आपको यह नहीं लिख पता कि बाइबल में कहां आपकी ब्लेसिंग के बारे में लिखा, हम बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए। हाँ, कोई बैठ के प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर मेरे मुझे वीजा चाहिए, कोई बैठ के प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस कर, पर एक भी जन को यह मालूम नहीं है कि मैं कौन से वचन से प्रार्थना करूं, सिवाय एक ही वचन। मैं पढ़ाता हूं आपको सभी वचन इकट्ठे, आज वचन ज्यादा है। एक भी बंदे को यह मालूम नहीं है कि मुझे किस वचन से प्रार्थना करनी। अब मैं कौन कौन सा वचन आपको पढ़ाऊं, कहां लिखा उसके कोटे खाने से तुम चंगे हो चुके, कहां लिखा कि वो तुम्हारे अपराधों के कारण घायल किया गया। अगर हमें यह नहीं पता लिखा कहां गया, हम पढ़ेंगे कैसे? अगर पढ़े नहीं तो वचन में प्रार्थना में हम वचन सम्मिलित कैसे करेंगे और परमेश्वर के सामने अपना केस कैसे प्रकट करेंगे? आमीन। परमेश्वर कहता अपना मुकदमा लड़, अपना प्रमाण मुझे दे। हालेलुया। मुझे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चाहिए। अच्छा, मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। आप सारी उम्र वेट करोगे और पवित्र आत्मा आपको नहीं मिले, इसको रिपीट में क्यों लेके? अपने पड़ोसी को बोलो वेट मत कर, इंतजार मत कर, वचन से प्रार्थना कर तो तेरा हल होगा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो इंतजार मत कर, वचन से प्रार्थना कर तो तेरा हल होगा। आमीन। कैसे प्रार्थना करनी है आपको? वचन से प्रार्थना करनी है आप। यशाया 53 अगर आप पढ़े उसमें आपकी हीलिंग के बारे में लिखा, अगर आप 40 पढ़े, 41 पढ़े, 42 पढ़े, उसमें आपके लिए वचन लिखे हैं जो आपके लिए लिखे हुए, लेकिन किसी को मालूम नहीं मेरे लिए क्या लिखा है बाइबल। बाइबल आपको अच्छा हस्बैंड देने का वायदा करती है मालूम, पर कहां लिखा है? आपको अच्छी वाइफ देने का वायदा करती है मालूम, कहां लिखा है? भजन संहिता 128। तो कौन कौन सा वचन आज आपको पढ़ाऊं? आपको सेल्फ स्टडी करनी है बाइबल के बीच। आमीन। और जब प्रार्थना करने के लिए बैठने हैं उस बाइबल के वचनों से आपको प्रार्थना करनी है परमेश्वर के सामने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज आप इस घर में मौजूद हो अगर परमेश्वर के आप डिवाइन अरेंजमेंट ईश्वरीय इंतजाम के कारण आप यहां पे आए हो। आप जानते हो आज कुछ लोग अगर सक्सेसफुल हो जाते अपने पास्ट में यहां ना बैठे होते, अगर उनका बिजनेस चल गया होता वो यहां ना बैठे होते, अगर उनके बच्चे सही होते वो यहां ना बैठे होते। आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर आपकी मुश्किलों को ही इस्तेमाल करता है आपको अपने घर में लेके आने के लिए और अपना आप प्रकट करने के लिए। हालेलुया। अपना आप क्या करने के लिए? प्रकट करने के लिए। वो आपको मुश्किलें देते हैं लेकिन आपको अब ये देखना है कि अपनी मुश्किलों को आपने यूज करना है या उनको पहन के रखना है और वो शर्मिंदगी लेके रखनी। और जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप बाइबल के वचनों से आपकी प्रार्थना कर बिना बाइबल के आपकी प्रार्थना सही नहीं। अगर प्रार्थना करते वक्त आप अपनी बाइबल साथ लेके नहीं बैठते हो आपकी प्रेयर इफेक्टिव नहीं हो सकती। हालेलुया।